अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां रविवार रात एक ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक की बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या करने वालों ने मृतक को दरवाजे पर बुलाया, फिर बातचीत करने के बाद गोली मार दी। घटना गेंडे वाली सड़क की है। घायल को साथियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्या से दहशत का माहौल है। पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक जगह बदमाश भागते हुए कैद हुए हैं। एक हमलावर की पहचान बॉबी खान के रूप में हुई है। पुलिस पता लगा रही है कि मृतक और हमलावरों के बीच क्या विवाद था। शहर की गेंडे वाली सड़क पर रहने वाले 45 वर्षीय आजिम खान पेशे से ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक हैं। रविवार रात को आजिम को उनके घर बाहर बाइक सवार दो बदमाशों ने बात करने के बहाने बुलाया। आजिम को बदमाश बात करते करते घर से कुछ दूरी पर ले गए, तभी बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए आजिम को गोली मार दी। गोली लगते ही आजिम खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुन आसपास के लोग और परिवार के लोग बाहर निकले, जिसे देख बदमाश वहां से भाग निकले। परिजन आनंद फानन में आजिम को जया रोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक आजिम की कुछ लोगों से पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जिसे लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने हर एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल परिजन ने पुलिस को कुछ भी बताने से चुप्पी साध ली है। पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। अभी एक जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश बाइक पर सवार होकर भागते हुए दिखे हैं। पुलिस इसी आधार पर हत्या आरोपियों की तलाश कर रही है। एक आरोपी बॉबी खान का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। मृतक के रिश्तेदार आरिफ खान घर में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी गोली की आवाज सुनाई दी। बाहर निकल कर देखा तो गोली लगी हुई थी। बदमाश भाग रहे थे, उनका पीछा भी किया लेकिन भाग निकले। उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कारण क्या था पता नहीं, कार्यवाही चाहते हैं। इंदरगंज थाना प्रभारी अनिल भदौरिया का कहना है कि एक युवक की घर के बाहर बुलाकर दो युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर डेड हाउस में रखवा दिया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। भाई मैं अंदर टीवी देख रहा था, बाहर गोली की आवाज चली और फिर हल्ला मल्ला मचा। मैं बिना चप्पल के ऐसे भागा, मालूम पड़ा कि लड़का गोली मार के भागा है, तो मैं उसके पीछे भाग रहा था। किसी ने कहा कि अजीम को गोली पड़ गई है, उसको देखो पहले। तो हम उसको उठा के नहीं, कार में रख के सीधे हॉस्पिटल लेके आ गए। अच्छा। और यहाँ लेके आए, उन्होंने घोषित कर दिया। जी निवास रहते हैं गणे वाली सड़क पर। इनको अभी किसी दो ऐसी सूचना है कि दो व्यक्तियों द्वारा घर से बुला के इनको गोली मारी गई है। कैसे क्या वजह बता रहे? नहीं, वजह वगैरह अभी कुछ सामने नहीं आई है। जांच कर रहे हैं, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, जो भी वजह सामने आएगी उस हिसाब से।